Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. गुड मॉर्निंग एवरी वन सब्सक्राइबर्स, आर्टवर्क रिव्यू में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। ये हमारा 27th एडिशन है और जैसा अभी आप देख रहे हो कि मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ रिव्यू ज़रूर है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यूट्यूब जो सेक्शन है मेरे वेबसाइट में, वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन है जिसमें है कॉम्पिटिशन्स, जिसमें एक कंपटीशन अभी रनिंग है और रनिंग के अलावा इसमें मैंने एक कॉन्टेस्ट, उसके अलावा भी मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें है कि हु विल विन दिस कॉन्टेस्ट। पहला है 14 इयर्स अबव एज, 14 इयर्स के जो बड़े हैं और 14 इयर्स से जो छोटे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है क्योंकि अभी तो ये रनिंग है और बहुत लोगों ने अपने एंट्रीज यहाँ पर डाले हैं, या तो वो अबव हो या फिर बिलो हो। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों में कि कौन आगे जाएगा। तो बहुत नेक टू नेक है, अभी कल के डेट में हम लोगों ने देखा था तो 60 और 40 था, लेकिन वो जो रेशियो है बहुत कम हो गया, बहुत क्लोज़ हो गया, 53 और 46 बहुत क्लोज़ है। और अभी भी आप अपने वोट जो है कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं आप यहाँ पर। और इस बार का जो विनर है वो कुछ ऐसे ही चुना जाएगा। तो ये एक ट्रायल है जिसमें मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और एक्चुअली करना भी है पार्टिसिपेट उनको, क्योंकि विनर का डिसाइड भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने रिव्यू में। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो एक पर्सपेक्टिव का व्यू है, इसमें आप लोग को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जितने लोग हैं उनको मैं बता दूँ कि इस पर पूरा ध्यान दीजिए। अभी देखिए इसमें नीलम जी ने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो इसमें आप क्या जो इशू कहाँ पे है बनाया उन्होंने बहुत अच्छा है, शेडिंग अच्छी की है, ये मैं आई मस्ट से कि शेडो उन्होंने अच्छा किया है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि ये जो है ये टॉप व्यू है, अच्छा है, और बॉटम में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब देखो अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आया है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये जो टॉप व्यू है, अब इसका जो एंगल है कुछ ऐसे है, सर्कुलर में है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये जो है अभी कंप्लीट सर्कुलर में है, ये सर्कुलर में है, लेकिन इसके नीचे का जो जाएगा ना वो अचानक से बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाएगा, उसको भी कुछ ऐसे ही मूव करना है, ऐसे जैसे इसका जो एंगल गया हुआ है वैसे। अब लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी जैसे जैसे कोई भी चीज़ हमारे आगे होती है, जो भी चीज़ें जैसे कि जैसे ये पेन ही है, तो ये जितना आगे है वो बड़ा हो रहा है और जितना नीचे जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है, पर्सपेक्टिव है। एक्चुअल में इसका जो डायमीटर और नीचे का और ऊपर का दोनों का सेम रहता है, यहाँ पे भी सेम है और जो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, लेकिन पर्सपेक्टिव में जाने के बाद वो चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि बड़ा, ये देख लो ये बड़ा, और नीचे जाते जाते छोटा। तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर ये जो साइज़ है, जो रिंग का साइज़ है, अगर आपने यहाँ पर दिया तो इसके नीचे वाला उससे छोटा होगा, और उसके बाद और छोटा हो जाएगा, और छोटा होता जाएगा यहाँ पे, और ये कुछ और छोटे होते जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं, रिंग छोटा होता जाएगा, या फिर आप इसको और ज़्यादा बड़ा कीजिए, और ये एकदम सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, जैसे ये देख रहा हूँ, फिर इसके बाद कुछ ऐसे आया, फिर इतना, फिर ये देख रहे हो ये जो है ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है। अब इसमें जो होल है आप देखो, ये सेंटर में होगा, फिर ये भी सेंटर में होगा, लेकिन इसका साइज भी है ये भी छोटा होता जाएगा, इसका साइज भी जो है ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटा होता जाएगा। ये तो हो गई बात। अभी जो इसके नीचे का जो रिंग होगा ये भी कुछ सर्कुलर फॉर्म में ही, हाफ सर्कल जो का जो फॉर्म होता है वो होता है, बाकी शेडो आपने अच्छा बनाया। शेडो एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए जब भी शेडो होता है ना, शेडो का भी एक फंडा बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो एग्जांपल है ना इसमें सीखने के लिए बहुत है। जैसे ये जब भी निकलता है ना तो आप देखते हो कि ये जो फेड होता है यहाँ पर, जो जैसे निकला ना तो यहाँ पर डार्क रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा ना बढ़ेगा वो फेड होता जाता है, जैसे देख रहे हो ये ऐसे होता है। जैसे अगर इस एंगल में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा नीचे शार्प होगा और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डार्क होगा, और फिर जैसे जैसे आगे जाएगा फिर वो
स्प्रेड होगा। इससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना कोई भी कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा डार्क रहता है और जैसे जैसे स्प्रेड होता है वो कम होता जाता है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, शेडिंग आपकी अच्छी है। और इसके अलावा ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें अभी आप देख रहे हो कि वन पॉइंट पर्स्पेक्टिव है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से सब जो है आपने निकाला हुआ है, यहाँ पे जितने भी हैं। अब ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो भी है एक सेंटर पॉइंट से आपने लिया और सेंटर पॉइंट से आपने सब बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ को भी आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आपने बिल्डिंग को किया। जैसे आप देख रहे हो ये भी कुछ बिल्डिंग जो है, ये जो विंडो है वैसे ही जाना चाहिए। अब देखो लॉजिकल चीज़ क्या है इसमें कि अभी विंडो का साइज़ आपने यहाँ पे किया इतना बड़ा और ये जो है छोटा होता जाना चाहिए। जैसे ये जो वर्टिकली जो आप जो हॉरिजॉन्टली लाइन जो है ये इतना, जैसे मैंने आपको अभी ऐसे बताया था ना इसका, जैसे कि पाइप का जो बताया था आपको, वो वैसे ही यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। यहाँ पे जैसे ब्लॉक देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कम नहीं हो रहा, यहाँ पे सेम साइज़ का है, ये सेम साइज़ का कंटिन्यू है, यहाँ पे भी सब सेम साइज़ का है। अब देखो यहाँ पे उसके अलावा भी एक लॉजिकल चीज़ें क्या हैं। अब इसमें जो विंडो है देख रहे हो इतना छोटा है और यहाँ पे विंडो इतना बड़ा है और इसका साइज़ जो विंडो एक लेवल पर मैं बता रहा हूँ, एक लेवल पर जो हमारा एक लेवल पर जा रहा है, तो यहाँ पर विंडो साइज़ ये है, इसका विंडो साइज़ इतना बड़ा है और इसका विंडो साइज इतना बड़ा है और इसका विंडो साइज इतना बड़ा है तो और इसका इतना बड़ा है, तो सब में वेरी नहीं होगा। ह्यूमन जो रहते हैं ना एक एरिया में एक ही साइज़ के रहते हैं, तो एक ही साइज़ में, तो यानी कि विंडो भी एक ही साइज़ का होगा। तो कोई भी एक साइज़ आप चूज़ कर लो, अगर आप ये साइज़ का विंडो ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको ये साइज़ का ही ब्लॉक बनाना है। इसके बाद भले ही ये आगे से ये छोटे होते जाएंगे, ये आगे से जो है ना छोटे होते जाएंगे, सेम यहाँ पे भी होगा, वो भी इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा ही विंडो आपको बनाना है, यहाँ पे इतना बड़ा, सब सेम साइज़ का ही होना चाहिए, यहाँ पे भी जो आएगा इतना बड़ा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए जी। तो ये इक्वालिटी जो है ना वो होना चाहिए, तभी वो पर्स्पेक्टिव में ऐसे दिखेगा। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आएगा। यहाँ पे भी जैसे है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर वो छोटा होता जाएगा। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसमें आप लोगों को आना ही चाहिए। अब ये भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, यानी कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा आज। इस बार का भी जो है वन पॉइंट है, यहाँ पे भी इन्होंने जो बनाया है हर चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव बनाया है और वन पॉइंट में ज़्यादा कोई करेक्शन आते नहीं है। सेंटर का पार्ट आपने अच्छा बनाया है। जनरली क्या होता है ना, ये जो साइज़ होता है ना हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 10 फिट होता है, हम जिस घर में रहते हैं हॉल में जो है साइज़ वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 12 या 14 फिट का होता है, ऑलमोस्ट आप मान लो 12 फिट का होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें हेड साइज़ ये है, हेड साइज़ को भी आपने कैलकुलेट किया, वेरी गुड, बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में आप लेके आए हो। इनफैक्ट ये पेंटिंग वगैरह भी है, सब कुछ ठीक है। ये जो अगर देखा जाए ना तो ये साइज़ जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डांसर है, डांसर का साइज़ फेयर फोल्ड है, फिर भी हाफ से भी ऊपर जा रहा है, यानी कि अभी जो साइज़ होगा ये 12 फिट का होता है, 12 फिट, ठीक है। अब 12 फिट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 फिट हो गया, ये 7 फिट हो गया, ये 8 फिट हो गया, अगर ये पैर फोल्ड ना हो तो ये 9 फिट, 9 फिट का कोई ह्यूमन नहीं होता है, 9 फिट का होते होंगे एक्सेप्शन है, लेकिन जो कॉमन एक होता है ना वो होता है आपको अगर एक लेडी है, लेडी अगर डांस कर रही है तो ऑलमोस्ट अगर ये 6 फीट हुआ तो ये जो साइज़ है ना इतने बड़े साइज़ का आपको बनाना था। अगर आप बनाते थे, अगर आप यहाँ से इस एरिया से बना रहे हो तो भी आपको एक 5 फीट का जो आएगा ये यहाँ तक आएगा, इस एरिए से भी अगर आप बनाते हो तो इतना तक ही आएगा, आपको साइज़ जो है थोड़ा छोटा करना, क्योंकि ये ह्यूमन अगर ये जो बड़ा होगा ना आएगा ना तो ये कुछ इतना बड़ा साइज़ का हो जाएगा, तो इतना बड़ा साइज़ का नहीं होगा, बस एक ही करेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है। और ये परफेक्ट है, इसमें हर जगह आपने 2 पॉइंट लिया है। 2 पॉइंट में क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हर विंडो हर चीज़ों को बनाना, थोड़ा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक की ज़रूरत है, बाकी शेडिंग भी आपने कर दी, वेरी गुड।
और यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन जो जो आपके वर्टिकल लाइंस है ना वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होने चाहिए, ये जो आएगा ना जितने भी हैं लाइंस, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ही स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ये सब। तो इसको इस पे ध्यान दीजिए और बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यहाँ पे थोड़े से ना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा राउंड में नहीं है, फिर भी आपको एक जो आपने एंगल दिया ना ये ऐसे, तो ऐसे ना दे करके अगर आप इस कुछ कुछ स्ट्रेट देते हो ना, तो यहाँ पे उसके बाद आप सर्कल लो, एक सर्कल बनाने के बाद फिर उसको आप करेक्ट करो, जैसे एक ओवल ले लिया आपने, तो ओवल के हिसाब से फिर आप इसको आइज़ वगैरह बनाओ, जैसे यहाँ पे बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको आइज़ वगैरह बनाओ, और बनाने के बाद फिर इसका फॉर्म जो है ना वो आप करेक्ट करो। जैसे अगर आपने ये बनाया, फिर आपने नोज़ ऐसे बनाया, तो नोज़ वगैरह ऐसे बनाने के बाद फिर आपको साइज़ जो बाद में जब बड़ी लगे तो आप उसको आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं, और लाइंस भी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही है, अगर जैसे ह्यूमन ही नहीं बर्ड में भी अगर बनाते हो ना तो ये ऐसे आता है, तो यहाँ पे ये कुछ ये ऐसे आएगा, समझिए। तो ये गलत रॉन्ग टर्न था, ये ऐसे यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव है, देख रहे हो यहाँ पे कैमरे के पास में है ना, तो एक छोटा और एक बड़ा है, तो ये यहाँ पे हो गया। ईयर्स में अभी जो है ना यहाँ पे इसका भी एनाटॉमी होता है, जैसे ये पार्ट जो होता है ना ये ऐसे रहता है, और यहाँ पे जो आईज हैं, देखो अभी आईज का क्या होता है ना, एकदम ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे सेम लाइन पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो सेम लाइन पे यहाँ पे इसको होना चाहिए ये ऐसे, थोड़ा सा कर्व में होना चाहिए ये। अब जो नोज है ना, नोज इसके नीचे आना चाहिए, नोज के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये अगर नोज को एकदम शॉर्टकट जो पहली बार देख रहे हैं जिनको नोज नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, एक होता है सर्कल सेंटर में, एक होता है साइड में, और सेम अलाइनमेंट पे एक और नोज का जो लाइन है यहाँ पे आया। फिर आपको क्या करना है, आपको ये सर्कल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब ये जो है ऑटोमेटिक बना हुआ, बस हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नोज़ बन गया, अब लिप्स अगर आईबॉल होता था तो यहाँ तक आता था और ये भी यहाँ तक आया है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये बनाया आपने, और ये जो है ये कुछ ऐसे, बस इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आईब्रोज अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो यहाँ पे नोज़ मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे ये बहुत ही सिंबॉलिक आर्ट है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉडी के हिसाब से अगर मैं बॉडी एनाटॉमी देखूँ तो ये कुछ एनाटॉमी ऐसे आया हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आया हुआ है, और क्योंकि इसमें ना आपको बॉडी बैलेंस भी दिखाना है तो ये कुछ ऐसे बॉडी बैलेंस आया हुआ, लेकिन ये जो पोर्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा ये कुछ ऐसे आया हुआ, ये ऐसे आना चाहिए, इतना एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना इधर से बहुत स्ट्रेच हुआ है, और ये भी जो है ऐसे कुछ ऐसे दिखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गया है, जो एक जो बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है ना उससे बहुत अलग है। इसमें शेडिंग आपने अच्छा किया है, आउटलाइन थोड़ा और शार्प चाहिए, शार्प मतलब एकदम फाइन लाइन चाहिए, और अगर आप जब तक आप टॉप व्यू से नहीं भेजते हो ना, अगर मैं इसको ये जो है करेक्शन है अगर मैं इसको ऐसे भेज दूँ तो आप करेक्शन बता भी नहीं पाओगे, तो इसके लिए आप इसको ऐसे मत भेजिए, क्लिक करके इसको फ्लैट एकदम टॉप से भेजिए, तो मैं बाकी के करेक्शन भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे क्या है कि टॉम क्रूज का बनाए तो आई का जो डायमीटर है ना वो ज़्यादा बड़ा है, नोज़ थोड़े छोटे हो गए, नोज़ को साइज़ जो है ना ये और ज़्यादा, जैसे ये दिख रहा हूँ आई यहाँ तक ये बढ़ेगा और ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है, ये और ज़्यादा यहाँ तक आएगा फिर ये नोज़ आएगा, और लिप्स जो है ना ये थोड़े से और स्ट्रेच होंगे, देख रहे हो, और ये कुछ ऐसे आएगा इस एंगल में, जैसे अगर आपने आई का ये एंगल बनाया और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे अंदर तक आएगा और ये और ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और नीचे थोड़ा सा इसको यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ना हेयर भी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ऐसे, यहाँ पर देखनी ये यहाँ तक ही आएगा, ये कुछ यहाँ तक बस इतना ही, बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो क्लियर करना है। ईयर्स पे भी मुझे लगता है कि थोड़े से ना ये स्ट्रेच ही होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, और आइज वगैरह वैसे बनाया सही है। और ये यहाँ पे एक मैं बता दूँ आप लोग को कि ये जो आपने बनाया ना ये वाला जो पोर्शन है ना आपने सही बनाया, अब यहाँ से जो पोर्शन आया ना ये कुछ ऐसे होगा, ये एक्स्ट्रा जो नेक है ना वो नहीं होना चाहिए, और यहाँ से भी बॉडी जो है ना इतना, क्योंकि पूरा जैसा फेस है ना उसके अकॉर्डिंग अगर बॉडी वो संभाल ही नहीं पाएगा एक, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं किसमें आपको स्केचिंग में, तो ये भी मैंने ज़्यादा ही बनाया लेकिन लुक वाइज ऐसे दिखाने के लिए मैंने ऐसे आपको बता दिया, और ये जो बनाया है आपने इससे ज़्यादा वेट नहीं उठ पाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे जो जो डिज़ाइन है वो इसमें कर सकते, तो इतना छोटा ही होना चाहिए, गुड। और यहाँ पे ये देख लेते हैं राखी सक्सेना, यहाँ पे जो देखो अभी बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा, इतना आपको लाइंस वगैरह डिटेल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप बनाओ, सिंपल मतलब अगर ये आपने आई बनाया ना, आई आपने बना लिया ठीक है, अब इसके ही साइज़ का होना चाहिए यहाँ पे, उसके ही लाइन में जो आप लाइन देखते हो ना उसी लाइन में यहाँ पे होना चाहिए, ये आई का साइज़ जो है ना वो बराबर होना चाहिए, तो इतना ही होगा लिप्स, बस एक सिंपल सा दे दो, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आईब्रोज नहीं बनाने की ज़रूरत है, आपको हल्का आउटलाइन दे दिया और इंडिविजुअल बनाओ, मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल आइज़ नोज़ वगैरह जो है ना आप प्रैक्टिस करो, एज आपकी छोटी है 12 ईयर्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो एनाटॉमी वगैरह की प्रैक्टिस करना है आपको, लेकिन अभी नहीं, पहले इंडिविजुअल फ्लावर वगैरह का शेडिंग करो तो ये प्रॉपर आपके जो लाइन्स है ना लाइन्स प्रॉपर हो जाएंगे। योगेंद्र मिश्रा, यहाँ पे देखो अभी लाइट यहाँ पे ना, तो मैं इससे पहले भी शेडो बताया था आपको, मतलब आपने वो एपिसोड शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मैं जो नहीं देख पाए उनके लिए मैं वापस से बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे शेडो वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे ये देख रहा हूँ ये जो पोर्शन होगा ना, क्योंकि थिकनेस है जो भी आपने मास्क पहना है यहाँ पे, तो ये इसकी थिकनेस है, वो थिकनेस दिखाने के लिए हमें यहाँ पे शेडो दिखानी पड़ेगी क्योंकि लाइट के अगेंस्ट में, अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है, ये हो गया, अब यहाँ पे भी थोड़ा, क्योंकि लाइट अगर इस साइड से आपने किया है तो आपको शेडो भी इधर ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ये इधर के इधर का फेस भी है थोड़ा सा डार्क ही रखना है, ये साइड में थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ देना है, सेंटर लिप्स में ज़्यादा डार्क होगा, और ये सब भी थोड़ा आप डार्क ही रखो, आईज़ में भी ये, क्योंकि उस शेडो एरिया में ना तो डार्क होगा, और यहाँ पे ब्राइट होगा, और यहाँ पे ब्राइट कैसे होगा, और ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे ये ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए ये पोर्शन, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में है, तो अभी इसको आपको ब्राइट रखना है, ये जो पोर्शन जो आएंगे ना वो आपको ब्राइट रखना है, जहाँ पे ब्राइट रखना है आपको वहाँ पे ब्राइट रखो, तो यहाँ पे जो लाइट का डायरेक्शन है ना आपको सिर्फ ड्रॉ नहीं कर लेना है, आपका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि लाइट का डायरेक्शन जो है ना वो डायरेक्शन है तो कैसे है और क्यों है, तो आपको फ़र्क पता चलेगा इसमें, देखो दोनों में अभी थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, उसमें आप देखोगे तो आपको परफेक्ट दिखेगा, एटलीस्ट लाइट सोर्स जो होता है वो दिखेगा, शेडिंग तो अच्छी लग रही है यहाँ पे, थोड़ा ना ओवरऑल
नीचे होना, मतलब कि थोड़ा होना चाहिए वर्टिकली, थोड़ा और लंबा होना चाहिए, शेडिंग आपकी अच्छी है। आइज़ वगैरह में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन आप ऐसे रिफ्लेक्टिव दे सकते हो जिससे कि गल लगे कि ग्लास है। तो ये जो नोज़ का डिस्टेंस है ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल जो है ना फेस, ये कुछ ऐसे आना चाहिए। और लिप्स ठीक है, हेयर भी की भी शेडिंग ठीक है, यहाँ पे भी नोज़ पे थोड़ा सा जो शेडिंग है ना वो पॉइंटेड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे शेडो के लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बाउंस हो, जैसे बाउंस लिए गए ना आपने, तो यहाँ पे भी और लोअर लिप्स में भी ऐसे थोड़ा बाउंस होना चाहिए। ईयर्स पे लाइट का डायरेक्शन अगर ऊपर से किया है आपने तो, ओवरऑल मैंने आपको बताया ना कि आप थोड़ा सा ना नीचे तक लेके जाइए। कुणाल मलिक, ये पोर्ट्रेट अच्छा है, इसको भी बना डालिए आप भी। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हर चीज़ें हैं, थोड़ा शेडो की कमी है, लाइट का डायरेक्शन कौन है, थोड़ा थिकनेस की ज़रूरत है। थिकनेस मतलब कि जैसे अभी आप देखो यहाँ पे जो है ना, ये जहाँ पे भी ज्वाइंट होता है ना यहाँ पे, ये थोड़ा डाउन होगा तो ब्लैक डार्क होगा, यहाँ पे थोड़े आप शेडो वगैरह दे दो, और ये सब जो एरियाज है ना यहाँ पे भी डार्क रहेगा ये सब, क्योंकि लाइट इस पर हिट कर रही है वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे वो पोर्शन है ना उसको आप थोड़ा ऐसे डार्क में रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर होगा ना वो ब्राइट होगा। और ये लाइट सोर्स इधर से मत दो आप, आपको लाइट सोर्स ना इधर से देना है, इस साइड से, अगर अगर इस साइड से लाइट है तो, और यहाँ पे ना वो थोड़ा डार्क होगा, अंधेरे से लाइट में जा रहा है ना तो, और जितना आप पास से निकालते हो ना तो थोड़ा ऐसे डार्क रखो, फोकस जो है ना वो सेंटर पे आएगा, ऐसे 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 रखोगे तो ये फोकस ओवरऑल आपको यहाँ तक आएगा, आपने बनाया अच्छा है, गुड। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताया मैंने, और ये स्केच बहुत ज़्यादा बनता है, अंदर का पार्ट डार्क जो है ना, किसको डार्क रखना है किसको ब्राइट रखना है इसको आपको देखना है। और जैसे कि ये अंदर का पार्ट अगर आपने बनाया है डार्क है, डार्क होना भी चाहिए, तो अभी जो है ये देख रहे हो ना, यहाँ से जो जो पोर्शन है ना ये यहाँ पे आपको ब्राइट रखना है, थोड़ा ओवरऑल ब्राइट इसलिए रखना है कि आपको लाइट के हिसाब से वो दिखे, ये जो है ना ये जो पोर्शन है ना थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे जैसे लाइट हिट कर रही है यहाँ पे आपने दिया, यहाँ पे लाइट दिया हल्का सा यहाँ पे दे दो, तो ये जो है ना ऐसे होना चाहिए। फिर इसकी इंटेंसिटी जैसे कम हो, इंटेंसिटी मतलब कि आप HB 2B 3B से ऐसे आप डिज़ाइन मतलब जो भी है शेड है वो कर सकते हैं, इसको अंदर वाला पार्ट डार्क ही रहेगा, हल्का सा यहाँ पे लाइट रहेगा क्योंकि लाइट की इंफॉर्मेशन अंदर भी जाती है। तो इस तरीके से कुछ आप इसको बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट शेडो है, ये टेक्स्चर है उसका, ये सब बन के ही स्केच जो है ना आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे भी सेम होगा, सेम मैंने आपको बताया, ये डार्क है ये बेटर है, पहले से बेटर है, यहाँ पे आपने ब्राइट रखा है अंदर डार्क रखा है, गुड। आपको नॉलेज है बस उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख लेते हैं गोदी था फा, गुड, लाइट इधर से रखा है आपने, और हेयर भी अच्छा बनाए। एक है देखो, अभी इसमें बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस किस चीज़ का पता है, देखो ये अगर आपका लिप्स है ना, ये आपने बनाया है लिप्स ठीक है, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है ना ये जो लिप्स का जो आया है ना ये कुछ ऐसे आना चाहिए, देख रहे, थोड़ा सा तो फर्क पता चला ना आपको, पहले जो है यहाँ तक गया हुआ था, कैसे गया हुआ था, ये जो आपका गया हुआ पहले जो था आपको ऐसे 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 गया हुआ,
लेकिन ये जो है ना साइड में जा रहा था, इसको मैंने थोड़ा सेंटर में किया, तो इसको आपको करना है। और इसके अलावा नीचे वाला पार्ट जो है ये भी कुछ ऐसे आएगा, फ़र्क पता चलता है इसमें। और ये जो है ये आपने शेडो बनाया ना, तो शेडो ये जो जहाँ पे ईयर्स जाते हैं ना, जैसे नोज़ है ना, ये नोज़ का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क होना चाहिए ज़्यादा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा, जिस जो इसका जो पॉइंट होता है ना वहाँ पे ज़्यादा डार्क होना चाहिए, तभी वो डिफ्रेंशिएट होगा। और किनारे की तरफ ना हल्का ब्राइट रखना है, कहाँ पे, इस साइड में आपको हल्का सा एक रिम लाइट देना पड़ेगा जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके दोनों का। और बाकी ना आप हल्के से हेयर जो है ना, हेयर भी आप बनाओ। हेयर भी कैसे बनाने हैं आपको, थोड़े से एक्स्ट्रा जो हेयर ऐसे ना, ऐसे सिंगल वाले, देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो सिंगल जो ऐसे हेयर है ना वो दिखाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो नेचुरल लुक आता है। ऐसे ऐसे बनाओगे ना तो ये नेचुरल लुक आएगा, और ये आपको देना चाहिए थोड़े बिखरे हुए, ये ऐसे सिर्फ बंच में ही नहीं रहते, ये सब यहाँ पे बना सकते हो, और सेम यहाँ पे भी बना सकते हो। बहुत ही रिजिड है ये, कुछ जो ये, तो ये हल्के हल्के जो हैं ये आप बनाओ, इधर भी बनाओ, ये सब। बाकी स्केच आपने अच्छा बनाया। और इसके अलावा ये हम लोगों ने देख लिया था, और कुछ जो वर्क बचे हैं जयंत का जो वर्क है देख लिया था हम लोगों ने, सुभाष त्यागी ये भी हम लोगों ने देख लिया है, और ज्योति नागदेव, यहाँ पे गुरु नानक जी का बहुत अच्छा बनाया है आपने। और ये जो हैंड का साइज़ है ना, मैं टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं, फेस का जो साइज़ है ना आप देख रहे हो, इतना बड़ा साइज़ होगा फेस का, तो हैंड का भी साइज़ ऑलमोस्ट इतना बड़ा आपको बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि एक फेस का साइज़ और पाम का साइज़ जो है ना ऑलमोस्ट बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। एनाटॉमी वगैरह बाकी सब आपने बनाया अच्छा है, आइज़ वगैरह भी अच्छा बनाया, नोज़ भी अच्छा बनाया, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छा किया। और ये जो है ना ओवरऑल ना, ये जो चीज़ें यहाँ पे रखा है आपने, ये यहाँ तक आना चाहिए। तो ये हो गया आज का सोमू, ये मैं करेक्शन बता चुका हूँ, मैं ये भी बता चुका हूँ मैं, इसका भी करेक्शन बता चुका हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं हम लोगों ने करेक्शन आज के कर लिए, होपफुली आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको जो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट के ज़्यादा किए हम लोगों ने, तो बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव में कैसे कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, तो उस फॉर्म में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं। क्योंकि जब तक पर्सपेक्टिव आप ऐड नहीं करोगे स्केचिंग में, तब तक कौन सी चीज़ कितना दूर है, कितना नज़दीक है, देखने के लिए तो अच्छी होगी लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं होगी। आप अगर आप करियर अगर आगे बनाना चाहते हो तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि इन सब के बगैर स्केचिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसे एक होता था पर्सपेक्टिव स्केचिंग में, आपका हो गया शेडिंग, शेडिंग के अलावा हो गया टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग के अलावा हो गया लाइटिंग, कॉन्टैक्ट, उसमें भी बहुत सारे हैं, शेडो, सेल्फ शेडो। तो ये सब कुछ अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ सीख भी सकते हैं। कहाँ पे सीख सकते हैं, आपको पता होगा कि जो मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट में जैसे यहाँ पे जो हम कॉन्टेस्ट वगैरह जो चल रहा है देख रहे हैं, यहीं पे आपको जाना है कोर्सेज में। जब कोर्सेज में आप जाओगे तो कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि 1 मंथ का भी अभी मैंने लॉन्च किया, यहाँ पे देख रहे हो 1 मंथ का पेंसिल का है यहाँ पे। सिर्फ अगर आप आई ड्रॉ करना चाहते हैं सिंगल आई, तो ये यहाँ पे है, क्राफ्ट के लिए है। इसके अलावा 3 मंथ्स का भी कोर्स है जिसमें बहुत सारे डिटेल आप देख सकते हो, ये प्लैटिनम है, 1 ईयर का सिल्वर है, 3 मंथ्स का, ये पोर्ट्रेट का सिर्फ स्पेशली, और ये गोल्ड है 6 मंथ्स का। अब इसके अंदर क्या क्या है डिटेल आपको जानना होगा ना, कि इसका अमाउंट क्या है, इसका क्या क्या इसमें अंदर कवर होता है, तो ये सब जो है ये आपको, ये जितने नेचर स्टडी, वार्म अप, जो ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये सब सब कवर हो जाता है, वाटर कलर वगैरह, पोर्ट्रेट्स हैं। अब ये जो वीडियोस हैं, वीडियोस भी आपको दिखते हैं यहाँ पे,
कि कौन कौन से वीडियोज़ हैं, कितने वीडियोज़ हैं। अब ये जो आपको प्ले नहीं होंगे, जी प्ले तब होंगे जब आप इसमें जो बाय करोगे तो ये अनलॉक हो जाते हैं और वीडियोज़ की एक्सेस आपको मिलने लगता है। अब इसको जो आप देखोगे कि इसको आप कैसे बाय कर सकते हो, जैसे जो भी आपने कोर्सेज देखे, कोर्सेज को देख रहे हो। अब इसमें है, इसका अमाउंट जो है 6999 है। उसके बाद आपको क्या करना है, परचेस करने के लिए जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट में करते हैं वैसे ही करना है, ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करोगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपको, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मेल आईडी वगैरह देना पड़ेगा, जैसे ये देख रहे हो आपको। तो ये आ जाएगा प्रोसीड टू चेकआउट, कितनी क्वांटिटी आपने लिया, प्रोसीड टू चेकआउट कीजिएगा आप जाइएगा, तो इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, इसके अलावा मेल आईडी वगैरह होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपके जो भी रिसिप्ट होगा, पेमेंट रिसिप्ट होगा, पासवर्ड होगा, ये सब आपके मेल आईडी पे जाएगा, जहाँ पे आपको एक सिक्योर रहेगा। आप कभी चेंज करना चाहेंगे पासवर्ड, अगर आप भूल गए तो वहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आओगा, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कौन सा पेमेंट मोड है वो आप पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो हमारा जो अभी चल रहा है वहाँ पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और मेल आईडी मैंने चेंज कर दी, मेल आईडी आपको मिल जाएगा कहाँ से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो कि अभी भी नेक टू नेक अभी चल रहा है। और इसके अलावा कॉन्टेस्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको तो आप ब्लॉग में जा सकते हो। ब्लॉग में जाने के बाद कॉम्पिटिशन जो है, पोर्ट्रेट कॉम्पिटिशन क्राई बेबी, वो देख सकते हो। यहाँ पे अंदर जैसे ही जाओगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा स्टार्ट डेट, एंड डेट जो है वो मिल जाएगा, और रिजल्ट कब आउट होने वाला है, मीडियम कौन सा होने वाला है, कौन से मेल आईडी में आपको शेयर करना है, वो सब यहाँ पे मैंने दे दिया। इसके अलावा एक और फेसबुक पेज है, उसमें आप जाके फॉलो ज़रूर कीजिए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्केचबुक बाय अभिषेक। ये जो लास्ट वाला जो है ना, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि अभी जो लाइव स्ट्रीम जो है ना, अभी इसमें ही आने वाला है। इसके अलावा जो कंपटीशन है, उसके जो पहले से ही मैंने शेडिंग जो है वीडियो बना के रखा है, पार्ट वन पार्ट टू, तो इसको भी देखिए, आप आइडिया ले सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।